गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास सिक्स का मैथ्स पढ़ेंगे, अध्याय दो, जिसमें अध्याय दो का नाम है पूर्ण संख्या एवं पूर्ण संख्या पर संक्रियाएं। प्रश्नावली दो दशमलव दो आज लास्ट भाग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इलेवन, इलेवन में हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। तो आप लोग इसके पहले क्लास में भी देखे होंगे भाग दे करके, ऐसे इस प्रकार से आप भाग देंगे, ये भाजक है, ये भाज्य है, इधर मिलेगा भागफल और ये रहेगा क्या होगा शेष पर। तो देखो भाग दे तो छत्तीस गुनी कितना हो जाएगा, बहत्तर का फिर यहाँ आया पाँच, ठीक है, ये कट जाएगा, फिर सात फिर एक बढ़ जाएगा छत्तीस से कम, और यहाँ पे हो जाएगा एक और ये दो, और ये कितना हो जाएगा आपका दो, दो सौ बारह। अब कितने बार जाएगा, सात बार जा सकता है क्या, सात से देखो, सात छक्के बयालीस, सात सीला चार, सात इक्कीस, चार कितना हो जाएगा सात इक्कीस चार पच्चीस, ये ज़्यादा हो गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटे से भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे किए छः छक्के कितना हो जाएगा छत्तीस, और छः ये अट्ठारह, और तीन कितना हो जाएगा इक्कीस का। तो इस प्रकार से देखो इसके मान कितना है दो सौ बारह, इसका मान कितना है दो सौ सोलह, तो तीस से और छोटा लेंगे हम लोग, क्या लेंगे इसको हम लोग पाँच लेंगे, ठीक है। तो पाँच छक्के कितना हो जाएगा यहाँ पे तीस हो जाएगा, पाँच कितना आ जाएगा तीन, पाँच या पंद्रह तीन कितना हो जाएगा अट्ठारह, इस प्रकार से यहाँ पे कितना बचा दो, और ग्यारह में से यहाँ पे आठ गया तीन, ये हो जाएगा आपके पास, ये बत्तीस क्या पद आएगा शेष पर, और ये क्या कहलाएगा भागफल, और ये भाज्य है और ये भाजक है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर बारह में, खाली स्थान को भरना है, खाली स्थान भरना है, देखिए यहाँ पाँच लिखा है, यहाँ डिब्बा है, यहाँ पे अंक है, तो इसको आप क्या करो छः में पाँच घटा दो एक आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करो तीन में दो घटाओ एक आएगा, और सात में चार घटाओ कितना आ जाएगा तीन आ जाएगा, इस प्रकार से क्या हो जाएगा तीन सौ सोलह इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब इस प्रकार से आपको मैं क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ नेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको, उसके बाद आपका ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगा। जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर सोलह, क्वेश्चन नंबर सोलह में क्या दिया है कि एक सौ सत्रह को ऐसी दो संख्याओं के गुणन के रूप में व्यक्त कीजिए जिसमें से एक संख्या तेरह है, तो दूसरी संख्या क्या करना है, तो पहली संख्या क्या दिया है, पहली संख्या दिया है आपको क्या तेरह, हम लोग क्या करेंगे दूसरी संख्या क्या ले लेंगे, दूसरी संख्या बराबर हम लोग ले लेंगे एक्स, ठीक है, फिर क्या कह रहा है प्रश्न के अनुसार हम लोग क्या करेंगे इसे गुणा कर देंगे, थर्टीन इंटू एक्स है ना इक्वल कितना हो जाएगा एक सौ सत्रह, एक्स इक्वल कितना हो जाएगा एक सौ सत्रह बटे यहाँ पे तेरह, ठीक। इसी प्रकार से आप इसे भाग दे सकते हो, यहाँ पे एक सौ सत्रह कर दिए तेरह, ठीक है। अब तेरह का पहाड़ा पढ़ो कितने बार जाएगा नौ बार, नौ दिया सत्ताईस, हासिल दो नौ पंद्रह और दो ग्यारह, ठीक, इतना आ जाएगा, ये तेरह नहीं है, तो ये आ गया आपके पास, ये सब क्या है आपका रफ कार्य है नौ। आंसर में क्या लिखेंगे, अतः दूसरी संख्या, अतः दूसरी संख्या क्या होगी नौ, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ये जो है प्रश्नावली आपको कंप्लीट हो गया, इसमें जितने क्वेश्चंस हैं आप सब बनाएंगे, ये क्वेश्चन नंबर लास्ट आप नहीं बनाएंगे अठारह नंबर को, ठीक है, मैजिक वाले नहीं बनाएंगे, बाकी सब आप लोग क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे, इस प्रकार से आपका अध्याय दो कंप्लीट, ठीक है, थैंक यू।